कि जिसकी तो इबादत करता है, जिसकी तो गुलामी में आता है। इस मुआहदे की पहली शिक ये है कि गुलाम अपने आका को बेऐब समझता है। पहली मंजिल दिल की ये है कि इसको ये बताया जाता है कि कोई एक ऐसा है, कि कोई एक ऐसी जात है जिसके अंदर कोई नक्स नहीं है, एक ऐसा मुआहदा है जिसके अंदर दो फरीकैन हैं, एक अल्लाह है और दूसरा मेरा और आपका दिल है। अल्लाह ताला ने इंसान का दिल इस तरह बनाया है कि वो सोचता है, समझता है, देखता है, सुनता है और दिल के अंदर एक तसव्वुर बना लेता है। बचपन के अंदर एक बच्चा जो है एक गर्म प्याली पे हाथ लगाता है तो उसके तसव्वुर में आता है कि इस तरह हाथ लगाने से दर्द होता है, जल जाता है हाथ, अगली बार हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उसके दिल में एक तसव्वुर बैठ गया है। अल्लाह ताला के इबादत एक ऐसा मुआहदा है जो ताल्लुक है दिल का और अल्लाह का, एक ऐसा मुआहदा है जिसके अंदर दो फरीकैन हैं, एक अल्लाह है और दूसरा मेरा और आपका दिल है, कि दिल के अंदर क्या तसव्वुर है उसके हवाले से और उस तसव्वुर के अंदर अल्लाह ताला को अकेला मानते हो या नहीं मानते। और वो है कि जब आप किसी भी जात को कामिल जानते हैं, बगैर नक्स के जानते हैं, परफेक्ट जानते हैं, बिला ऐब जानते हैं, तो ये दिल उसकी तरफ रागिब होना शुरू हो जाता है। इसकी पहली मंजिल ये है, पहली मंजिल दिल की ये है कि इसको ये बताया जाता है कि कोई एक ऐसा है, कि कोई एक ऐसी जात है जिसके अंदर कोई नक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है। और अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर जितनी बार भी तस्बीह का लफ्ज कहता है, सुबहानअल्लाह का लफ्ज कहता है, अपने आप को बेऐब जाहिर करता है और उसकी खबर देता है, ये दिल को पैगाम है कि अपनी पहली मंजिल चढ़ जा आज, कि जिसकी तू इबादत करता है, जिसकी तू गुलामी में आता है, इस मुआहदे की पहली शिक ये है कि गुलाम अपने आका को बेऐब समझता है।